लोग कहते हैं कि इधर आप लोग लड़कियों को अगवा करके इधर ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराते हैं, ये सच है या नहीं, आप हमको बताइए। Conversing with representatives of the small Hindu minority in the Islamic Republic of Pakistan, one often hears that among the greatest perils the community faces today is the kidnapping and forced conversion of young women to Islam. भाई कम्युनिटी आज से नहीं 200 साल से मुसलमान हो रही है। पहले तो किसी ने नहीं कहा, हजारों की तादाद में मुसलमान है, पहले तो किसी ने नहीं कहा। असल बात यह है कि भरचुनी शरीफ इसलिए आते हैं कि उनको पता है कि हमारी यहाँ पर हमको कोई वापस भी नहीं करेगा। और बेसिकली उनकी उनके इस्लामिक एनजीओस है। अगर कहे जबरदस्ती किया तो बुधा ना मामा कहे जबरदस्ती खुशी रहा। देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्स रियलिटीज टू थिंक अबाउट। देयर इज व्हाट, फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द वे टू डिटरमिन इफ अ गर्ल हैज बीन फोर्स्ड टू कन्वर्ट। मुझे नारंडा मुझे मुड़स मुझे धी असामली इन इन सामा इनके खड़ी वो कमरे में अलग करे छड़ी जब निकाह कबूल कर माँ ना थी वो बेडी खड़ी वो इनके भी कुटी माँ के भी कुटी जब तू निकाह कबूल कर। इतने लोगों को मैं कहाँ रखूँगा और करूँगा क्या मैं उनको? सवाल ये पता होता है कि इतने लोगों को मैं अगवा करूँ मुझे फ़ायदा क्या होता है? फोर्स कन्वर्जन है, इसकी ग्राउंड रियलिटी है। मैं कहूँगी कि लोगों में जो अवेयरनेस आनी शुरू हुई है, थोड़ा मजहबी जुनूनियत हमारे यहाँ बढ़ती गई है, वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ इस्लाम में हुई है, वो हमारे यहाँ भी हुई है। और मंगनी को कितना अर्सा हुआ था? मंगनी का काफ़ी टाइम हुआ। कितना अर्सा हुआ? करीबन 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए तो या तो फिर रबते में नहीं थी वो शीला उससे या इस तरह? नहीं, उसमें वो रबते वाला हमारे में सिस्टम नहीं है। सिस्टम नहीं है जैसे वालदेन जाते हैं।